बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है। फ़्लाइट एक तो मुल्क ने, कंट्री ने, जहाँ पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा आना जाना, फ़्लाइट ओपन कर दी है। PIA को इजाज़त दे दी कि आज से आप लोग आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। वो कौन सी कंट्री है और कहाँ पे आपका आना जाना ज़्यादा है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, दुबई की जो टर्मिनल 1 है उसको ओपन करने का ऐलान कर दिया। और टर्मिनल 1 में ऐसा रश होता है कि आपको बताते चलें कि टर्मिनल 1 में 6 महीने में 2,80,00,000 उधर एयरपोर्ट में उतरते हैं लोग, और 40 मुल्कों की इंटरनेशनल फ़्लाइट, जो बड़ी फ़्लाइट हैं, वो टर्मिनल 1 दुबई एयरपोर्ट में उतरती हैं। और वे एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि दुबई की टर्मिनल 1 जो इतना बड़ा है कि साल में जो है 8 करोड़ लोग उसमें उतरते हैं और प्रवास करते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त अपडेट थी, टर्मिनल 1 जो है वो खोलने का ऐलान कर दिए। और इंशाल्लाह ताला इससे टिकटों के रेट भी कम होंगे, फ़्लाइटें भी ज़्यादा हो जाएंगी। दूसरी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के लिए किस मुल्क ने फ़्लाइटें ओपन कर दी हैं। भाई जान, पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। उसके बाद बाकी मुल्क भी कर देंगे, क्योंकि बड़ी कंट्री है। उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान PIA को खुली छुट्टी है, अब वो आ सकते हैं। कई महीनों से पाकिस्तान पर बैन था, वो था कनाडा। कनाडा ने पाकिस्तान की फ़्लाइटें ओपन करने का ऐलान कर दिया है। तो ज़बरदस्त अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखें, और आप लोग कनाडा जा भी सकते हैं, कनाडा आ भी सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने ज़ुमान में रखे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।